हाय, मैं गुंजन हूँ, रचना की कजिन। मुझे आइसक्रीम नहीं खिलाओगे क्यूट एंजल? स्वीट एंड क्रीमी। हमने तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था ना, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब देखो हम तुम्हारे साथ क्या करते हैं। ओहो, क्यूट एंजल का गुस्सा गलत जगह निकल रहा है। बैठो, अरे बैठो तो सही, सिट बैठो ना, एक मिनट बैठो, रचना बैठो। तुम घर जाओ और तुम्हारे घर पहुंचने से पहले तुम्हारी ये फोटोज तुम्हारे घर पहुंच जाएंगी। जाओ। आपसे किसी ने कहा है कि आप गुस्से में और भी हैंडसम लगते हैं? ओह सॉरी, मैं आपको बताना तो भूल ही गई कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ रचना के साथ। एक्चुअली जिस दिन से मैंने आपकी चैट पढ़ी है ना, उसी दिन से मैं आपसे दोस्ती करना चाहती हूँ। ऐसी चैट तो कोई असली जेंटलमैन ही कर सकता है। काश काश कोई ऐसी चैट मुझसे भी करता, मेरी इतनी तारीफ करता, मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार होता। लेकिन मेरी लाइफ में ऐसा कोई नहीं है। एक्चुअली मैं आपको थैंक यू कहना चाहती थी, आपकी वजह से ये डरपोक शर्मीली रचना घर से बाहर तो निकली। मैं तो इससे इतनी बार कहती हूँ कि मुझे अपने फ्रेंड से मिलवाओ, लेकिन ये ना खुद उनसे मिलती है ना कभी मुझे उनसे मिलवाती है, एकदम बोर है। अब मैं ठहरी मुंबई वाली, मेरे लिए दोस्त दोस्ती घूमना फिरना ये सब तो बहुत आम बात है, लेकिन यहाँ बनारस में मेरे कोई फ्रेंड्स नहीं है। आई मिस माई मुंबई। लाइफ को अगर खुल के जीना है ना, तो मुंबई से बेटर कोई शहर नहीं। हमने भी बहुत सुना है मुंबई के बारे में, किसी को किसी का डर ही नहीं। हाँ, लेकिन अब उस सब का क्या फायदा? तुम्हें तो मेरी फ्रेंडशिप में कोई इंटरेस्ट है ही नहीं, बस रचना में ही। एनीवेज, जो नहीं मिला उसका क्या गम करना। क्यूट एंजल की दोस्ती नहीं तो एक फोटो तो मिल ही सकती है ना। फोटो? हाँ ठीक है। ये हुई ना बात, एक मिनट। हाँ रेडी, बड़ी सी स्माइल देना, बिग स्माइल। 1 2 3 एक और ले लेते हैं। हाँ, सेफ्टी के लिए, सेफ्टी के लिए। रेडी, स्माइल से चीज। नहीं, बट ये उतनी अच्छी नहीं आई, एक और खींचते हैं। हाँ ऐसा करते हैं, रचना तुम हमारी एक फोटो खींच लो। हम, इफ यू डोंट माइंड क्यूट एंजल जी, एक और लास्ट खींच ले। अरे इतनी तो खींच ली है, और चाहिए क्या? व्हाट टू डू, मेरे फोन के कैमरा की क्लैरिटी बिल्कुल अच्छी नहीं है, जब तक अच्छी लाइट्स नहीं हो ना फोटोज अच्छी आती ही नहीं है। वैसे आपके पास कैमरा है क्या? नहीं होगा, ये कोई मुंबई थोड़ी ना है। भोले भाले बनारस के लोग अपने मोबाइल कैमरा में ही खुश हैं। अरे मुंबई की मैडम, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, हमारे पास डिजिटल कैमरा है। मेरे पिक्चर्स क्लिक कीजिए ना प्लीज, मुझे आपके साथ भी फोटो चाहिए। श्योर।
ये यहाँ क्या कर रहा? इसके पीछे तुम दोनों तो नहीं हो? पागल हो क्या? अगर मैंने उसे बुलाया तो मैं टेबल के नीचे क्यों छुपती? क्या करे? चुप, धीरे, टेबल के नीचे छुपे रहो। इसे हमें देख लिया तो सारा काम बिगड़ जाएगा। बनारस में इन दोनों को यही रेस्टोरेंट मिला था जो को कहीं की किसी भी सर्कस में इजीली काम मिल जाएगा इसे। यहाँ से बाहर कैसे निकले? देख के नहीं जा सकते थे? हमारा पूरा स्टाइल खराब कर दिया और हमारे फूल भी। सॉरी मैम, सॉरी। मैनेजर कहाँ है तुम्हारा? मैनेजर को बुलाओ। अरे बस सर। मैनेजर। अरे शांत हो जाओ। इनके हिम्मत कैसे हुई? What happened ma'am? Say sorry to ma'am. Sorry ma'am. अरे चारू शांत हो जाओ, सब ठीक है ना? वो लोग तुम्हारा सामान उठा रहे हैं। उठाने से क्या होता है? किराया क्यों था? हमारा सारा मूड खराब कर दिया। My apologies ma'am, please sit. चलो अब ठीक है ना? उन्होंने सॉरी बोल दिया। आओ तुम आराम से बैठो, तुम्हारे पैर में दर्द हो रही होगी ना? तुम और यहाँ टेबल के नीचे? क्या कर रहे हो यार? कुछ नहीं, यूं ही बस वही चाय पीने आया था, बिल देना था तो पैसे नीचे गिर गए थे। और मेरी छोड़ो यार, तुम यहाँ कैसे? मैं बस वो, आओ ना मेरे साथ आओ। ये चारू है, मेरी फियांसे। नमस्कार भाभी जी। नमस्ते जी। चल बाद में मिलते हैं, हमें लगता है तू थोड़ा बिजी है। हाँ आराम से मिलते हैं। बैठो बैठो, आराम से बैठो। चारू भाभी भी ना गुब्बारे, चॉकलेट, अरे उस डॉक्टर की कंपनी के कपड़े देखे थे? गॉड, और उसके चश्मे, ऐसा लग रहा था दो लोग फिट हो जाएंगे उसमें। और उसकी हील, ऐसा लगा अब गिरी, अब गिरी, अब गिर गए। और उस वेटर की हालत देखी थी, बेचारे की कुछ गलती नहीं थी और फिर भी सॉरी मैडम, सॉरी मैडम। अरे रचना, हमने गलती कर दी, हमें थोड़ी देर और वहां रहना चाहिए था। वो चारू मैडम का नाटक तो काफी देर चला होगा, सारा मजा मिस कर दिया। और उस मिंटू को क्या तुमने उल्लू बनाया? क्यूट एंजल, मेरे साथ फोटो खिंचवाइए ना प्लीज। अच्छा लो ऑर्डर तुम लो। अदरक वाली चाय, समोसे और जलेबी मंगवाए। भैया आपके पास कचौड़ी होगी? सॉरी मैम, जलेबी और कचौड़ी यहाँ नहीं मिलेगी। एक्सक्यूज मी, चीज सैंडविच और दो हॉट कॉफी जल्दी प्लीज। श्योर सर। तुमने काफी अलग तरह के कपड़े पहने हैं, है ना? अच्छा लगा आपको? तो क्या है ना, हमें मुंबई की हीरोइंस की तरह ड्रेस अप होना बहुत अच्छा लगता है। इनफैक्ट हम तो हनीमून के लिए मुंबई जाएंगे। हम एक ही प्लेट से खाएंगे ना, है ना? शारू तुम्हारे पाँव पे चोट लगी है, तुम्हें तो दर्द हो रहा होगा ना? काश आपके पास मरहम होता तो आप लगा देते। मुझे तो लगता है कि तुम्हें घर जाके आराम करना चाहिए
और अपने पाँव पे दवाई लगानी चाहिए। दवाई तो हमारे पास है। कौन सी दवाई? आप है ना हमारे साथ, हमारे पास हमेशा। वो तो है। कुंजन, थैंक यू कुंजन, थैंक यू वेरी मच। तुम थी इसलिए मैं इतनी हिम्मत कर पाती, नहीं तो आज तक छोटे तक से हम लड़ नहीं पाते थे। तुमने हमारा हौसला बढ़ाया। जो हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से अपना ध्यान खुद रखना सीखो। हर मोड़ पे तुम्हें मिंटू जैसे लोग मिलेंगे जो तुम्हें डराएंगे, धमकाएंगे, तुम्हारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे। लेकिन अगर लड़की में हिम्मत हो ना तो कोई भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? थैंक यू कुंजी। ये सब थैंक यू बंद करो, पहले काम पूरा तो होने दो। वैसे आज तुम्हारे साथ साथ कोई और भी बहुत खुश होने वाला है। कौन? तुम्हारी सीमा चाची। उन्हें साड़ी जो मिल रही है बिल्कुल उनकी बहू की तरह, चटाक एकदम। हाँ चलो। अरे आ गए तुम लोग। थक गए होंगे ना, हम पानी लेकर आते हैं। नहीं नहीं इट्स ओके, मैं खुद पी लूंगी। पहले आप गिफ्ट तो लीजिए। गिफ्ट? अब इसकी क्या जरूरत थी? और वैसे भी तुम तो हमारी बेटी जैसी हो ना, तो तुमसे गिफ्ट लेते बनता नहीं है। क्यों नहीं, आप सास बनने वाली हैं, आपके मयंक की एंगेजमेंट हो गई है, गिफ्ट तो मुझे देना ही चाहिए आपको। लीजिए, कंग्रेट। ओ तुम इतना कह रही हो तो हम ले लेते हैं। क्या हो रहा है? अरे दीदी हा? देखो ना, मयंक की सगाई की खुशी में कुंजन हमारे लिए साड़ी लेकर आई है। क्यों बेटा, ये तो घर की ही बात थी। तो क्या हुआ? नहीं फिर भी ये। नहीं नहीं मौसी जी, मेरा चाची जी को ये गिफ्ट देना तो बनता है। इन्होंने हमारी इतनी मदद जो की। क्यों रचना? अच्छा तो तुम दोनों ये साड़ी खरीदने बाजार गए थे? पर बेटा तुम दोनों को इतनी देर क्यों लग गई? अच्छा अच्छा, रचना फिर से रास्ता भूल गई होगी। क्यों रचना? नहीं नहीं चाची जी, एक्चुअली आपके लिए स्पेशल साड़ी लेनी थी ना, इसीलिए हमें थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया। और जब हम दुकान से बाहर निकले तो बारिश होने लगी। अरे बारिश से याद आया, गरम गरम कॉफी बनाते हैं एंड सैंडविचेस, सॉस के साथ खाने बड़ा मजा आएगा। आप आ गए, हमें आपकी बहुत याद आ रही थी, हम आपके बिना घर पर बोर हो रहे थे। ओ मैं भी तुम्हारे बिना बोर हो रही थी, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। चलो चलकर सैंडविचेस बनाते हैं। आप सैंडविच कौन खाएगा, ये मौसम तो आलू और प्याज के पकौड़े का है, उसके साथ सॉल्ट की चटनी और गरम गरम अदरक की चाय। हाँ चाची जी आपने तो मुंह की बात छीन ली। ठीक है तो फिर रचना पकौड़े बना देगी। क्यों? अब ठीक है हम अभी खा, सॉरी बना देते हैं। चलो चलो आ जाओ। चलो ये सत्यवादी रचना, मैंने तुम्हें कैसे बचाया मैं ही जानती हूँ। ऐसी शक्ल लेके खड़ी थी, 2 मिनट और वहां रहती ना तो सब कुछ उगल देती। क्या उगल देती? कुछ नहीं, तुम अभी बहुत छोटे हो, नहीं समझोगे। पगले है माने कभी रूठे, पलकों में फूलों जैसे खिलते हैं, जानो ना सच्चे है कि झूठे। सपने सुहाने फोन काम नहीं कर रहा। देखो तो कौन आया है। पियू अचानक कैसे आना हुआ? अरे चाची मत पूछो, कितनी मिन्नतों के बाद सासू माँ ने हमें यहाँ आने की इजाजत दी, वो भी कुछ देर के लिए। अरे भाई सासू माँ होती ही है मन्नतें करने और मनाने के लिए, इस घर में भी एक सासू माँ तैयार हो रही है। नखरे दिखाएंगी ना बहू को। ऑर्डर ऑर्डर, आप सबके लिए गर्मा गर्म पकौड़े एंड सैंडविचेस। अरे वाह, चाय। अरे वाह,
अब आप सबको ये खाना है और सिर्फ हमारी तारीफ करनी है। अगर किसी ने इसमें दोष निकाला तो उसे कभी पकोड़ा खाने नहीं मिलेगा, सैंडविच खाने नहीं मिलेगा, चाय पीने नहीं मिलेगा, बस। एग्जैक्टली। लेकिन नहीं यहाँ हमारी बेटी आप कुछ भी खराब नहीं बना सकती। अरे चलो भाई यार, पकोड़ों पर टूट पड़ो, बातें बंद। ये सब तुमने बनाया? भाई विश्वास ही नहीं होता कि ये सब तुमने बनाया। तुम्हें खाना बनाना भी आता है? तुम्हें देखकर तो नहीं लगता कि तुम कभी रसोई में भी गई होगी। देखा, चौंका दिया ना। वैसे पीहू दीदी, मुझे लगता है आप सबके बारे में कुछ ज्यादा ही सोचती हैं। ये ना मतलब है, मुझे क्या करना आता है नहीं आता है ये सब सोचकर आप अपने दिमाग को क्यों थका रही हैं? बिल्कुल, पकौड़े खाओ भाई। भाई हम तो सिर्फ चाय पियेंगे। हाँ, अरे मयंक। अरे मयंक बेटा, अच्छा हुआ तुम आ गए, एकदम सही मौके पर आयो। ये इतने सारे गुब्बारे कहीं मेले में गए थे क्या? डप्पू जी, हार्ट शेप्ड रेड बलून्स, कहीं ये चारू ने तो नहीं दिए? आई एम श्योर चारू नहीं दिए है ना। तभी इनमें से प्यार की खुशबू आ रही है। यू आर वेरी लकी डप्पू जी, टू गुड। अरे मैं बेटा, तुम खड़े क्यों? बैठो ना, पकोड़े खाओ। नहीं मैम, मेरा पेट भरा हुआ। क्या बात है गुंजन के बारे में, बताओ। वो ना गुंजन दीदी हमें बहुत अच्छी लगती है। मुझे और उनकी हंसी मजेदार, और उनकी डांट। मान मर्यादा ये सब तो तुम बाद में संभालो, पहले अपनी हेल्थ संभालो। पढ़ा तो होगा ही तुमने, सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। बहुत मजेदार। अच्छा अच्छा, बाय भैया, हम जाते हैं। दोनों इधर, किधर जा रहे हैं? हम ना गुंजन दीदी से ये बात कहने कि वो हमें बहुत अच्छी लगती है। मैं भी। क्या मतलब? मेरा मतलब है कि मैं भी तुम्हारे साथ चलूं। मारी पूज बनकर। चल 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 चल। गुंजन, मजा आ गया। थैंक यू। हाँ गुंजन बेटा, तुमने सैंडविच बढ़िया बनाया और तुमने पकोड़े भी। लो, पकोड़ों का ऑर्डर भी आ रहा है फोन पर।